और सूरजपुर मुख्य मार्ग में स्थित आस्था ज्वेलर्स में दिन दहाड़े चोरी की मामला सामने आई है। रविवार की दोपहर आस्था ज्वेलर्स में एक युवक ज्वेलरी लेने के बहाने दुकान में आया था। उसने दुकान संचालक को बातों में उलझाए रखा और अचानक चकमा देकर सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। संचालक सहित अन्य लोगों द्वारा उसका पीछा भी किया गया, लेकिन शातिर व्यक्ति पकड़ में नहीं आया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान संचालक की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक अन्य साथी के साथ आने पर उसके विरुद्ध धारा 380-34 भादवी के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है और अभी सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो वहां पर लोगों से पूछताछ करके में आगे कार्रवाई की जा रही है। इस चोरी में कितने लोगों की संलिप्तता लग रही है? अभी तक तो ये जो ज्ञात हुआ है कि कम से कम दो लोग तो थे जिनके द्वारा जो है ये घटना का रिपोर्ट किया गया है। दिन दहाड़े चोरी की घटना है, ऐसे में पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं, तो मैं क्या पहल की जा रही है इस प्रकार की? इसमें हम लोगों के द्वारा जो है पूर्व में भी कभी बैठक लेकर लोगों को सीसीटीवी के साथ साथ कुछ सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए थे। अब उम्मीद करते हैं कि जनता भी हम लोग को कुछ सहयोग करेगी जिसमें कि हम लोग इस तरह के किसी भी घटना को रोकने में सफल रहें। अब और कोशिश कर रहे हैं इस मामले में जल्दी से जल्दी आगे की कार्रवाई करके।